ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಕ್ ಡರಿಯೆ ಮತ್ ಬಂಜಾರಾ ಕಾ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಐಸಾ ನಾಲಾಯಕ್ ಬೇಟಾ ಬೇಟಾ ತೋ ಕೈಸಾ ಹೋತಾ ಭೀ ಘರ್ ಕೈಸೇ ಚಲೇಗಾ ಹಾಂ ये कांग्रेस का संस्कृति है। कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहे हैं जरियला शाह, अभी बेटा बोल रहे हैं नालायक प्रधानमंत्री, ऐसे कितना बार बोलेंगे। कर्नाटक का लोग इतना प्यार कर रहे हैं, वो कल से देख रहे हैं। दो दिन का प्रवास प्रधानमंत्री जी को हुआ, कैसे रहा एक बार देखना चाहिए, इसीलिए वो डर गए हैं। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है, ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अब कांग्रेस का पूरा चरित्र स्पष्ट हो गया है, ये गालीबाज पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी तो थी ही, और मुझे लगता है कर्नाटक के लोग जिस तरह से क्रुद्ध है, प्रियंका जी लाख कोशिश कर ले कुछ होने वाला नहीं। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मोदी जी को विषैला सांप देने कहने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? अरे खड़गे साहब, जितनी गाली बोलनी है इतनी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खराब शब्दों के प्रयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को कभी भी कर्नाटक की सत्ता मत दीजिएगा।